बीजेपी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उम्र हो चुके हैं, किस तरीके से लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेड को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय का जो बैरिकेड उसे तोड़कर अब डीजीपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी जो मुख्यालय है डीजीपी मुख्यालय वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिए। साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्थिति नियंत्रण से बाहर है और ये पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डीजीपी कार्यालय के बाहर यहां पर भारी संख्या में यहां पर पुलिस भी तैनात थी। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, क्या स्थिति है? देखा जा रहा है कि स्थिति काफी ज्यादा अनियंत्रित हो गई है, लगातार जो है कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन यहां पर करते नजर आए। स्थिति नियंत्रण होने के बाद तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया। इससे पहले कि आपने तस्वीर देखी, इस समय की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए पुलिस मुख्यालय के अंदर प्रवेश किए थे, हालांकि कुछ ही देर पहले अभी यहाँ से अखिलेश यादव अब जो है गोसाईगंज जेल रवाना हुए, वहां पर अपने जो मनीष को जो गिरफ्तार किया गया वहां पर उनसे मुलाकात के लिए गए। लेकिन इससे पहले कि आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी तो सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और बैरिकेड को तोड़ते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है पुलिस मुख्यालय के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय से रवाना होते हैं। साफ तौर पर आपने देखा होगा कि ट्विटर हैंडल को जिस तरीके से जो संचालक थे मनीष अग्रवाल, उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो यह पूरा मामला सुलपका, जिसके बाद अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय में तमाम जो उच्च अधिकारी थे उनसे वार्तालाप के दौरान भी उन्होंने एक दो चार बातें भी कही कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे, इसमें जहर हो सकता है, तमाम बड़ी बातें। इसके बाद ये आप कह सकते हैं कि पूरा मामला तूल पकड़ते दिख रहा। अभी की जो स्थिति है वो तो किस मिलाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे अब अखिलेश यादव के साथ यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम आपको बात बताएं तो कुछ ही देर पहले यहाँ से चंद 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। हालांकि यहाँ पर पाली संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तो जरूर तैनात था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हुए तो जो पुलिसकर्मी उनको यहाँ से जिस तरीके से उन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई। अभी की स्थिति तो सामान्य है, ये लखनऊ का पुलिस मुख्यालय जहाँ पर अभी भी तमाम जो पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं तैनात ये है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से लगातार जो सोशल मीडिया हैंडलिंग ट्विटर के लेकर जो जो है मुकदमे चल रहे थे, सबसे पहले भी हजरतगंज थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन आज जब मनीष अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसी के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव आज मुख्यालय पर पहुंचे, जिसके बाद तमाम जो प्रदेश के तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका हुजूम पुलिस मुख्यालय के बाहर देखने को मिला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी मौसम का मिजाज तो ठंडा चल रहा है, मगर राजनीति जो है गर्माती नजर आ रही है। सपा कार्यकर्ता काफी ज्यादा भड़कीले अंदाज में दिखे, काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है कार्यालय पर उमड़ पड़ा और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज तक का प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जो है सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जो है मौजूद रहे। अखिलेश यादव का भी बयान हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने चाय पीने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस चाय में जहर भी हो सकता है, मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, पुलिस बल ने जो है सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, मगर सपा कार्यकर्ताओं का रवैया, उनका गुस्सा जो है सड़कों पर देखने को मिला। कड़कड़ाती ठंड के बीच कार्यकर्ता गर्मजोशी से जो है अपने नेता के समर्थन में सड़कों पर उतरे।